अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मिहिरा साई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद होगी कि सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आज का मेरे ब्लॉग इस बात से रिलेटेड है कि आज मेरी छोटी सिस्टर का रिजल्ट आया था मैट्रिक क्लास का। अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गई है। रिजल्ट तो इस बार काफ़ी अच्छा है और सभी बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। तो हमारी अब यही दुआ है कि आगे वो जो कुछ भी करना चाहती है, अल्लाह पाक उसे और तरक्की दे और उसे और इज्जत दे। हमारी पूरे घर वालों की उसके साथ सपोर्ट है। तो मैं ना उसे एक ना छोटा सा सरप्राइज देना चाहती थी। मैं जा रही हूँ बेकरी पे केक लेने के लिए। तो अब हम लोग घर आए, केक लेने जा रहे हैं, फिर घर आएंगे, फिर कटिंग करेंगे, फिर उसे सरप्राइज देंगे। अच्छा जी, अभी ये मेरा ना कज़न आया, कज़न भी है और मेरा भाई भी है। तो यही हमारी ज़्यादा गाड़ी वगैरह भी यही चलाते हैं। तो ये आएंगे, अभी कहते हैं कि मैं छोटी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। असल में पहली बात तो ये है, जो कज़न होते हैं वो पहले से ही भाई होते हैं, और ये मेरी छोटी सिस्टर है हीरा साई, और इससे भी एक छोटी सिस्टर है मेरी, जो इसकी छोटी सिस्टर है वही मेरी छोटी सिस्टर है। तो आज 10th क्लास का उसका रिज़ल्ट आया तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए उसने। खुशी भी हुई देख के मेहनत भी उसने की है, यानी कि मैंने खुद देखा है कि सुबह 4 बजे भी वो स्टडी कर रही है। लेकिन मेहनत का फल, ये तो सब हमारा कुरान मजीद भी कहता है कि मेहनत अगर करेंगे तो उसका फल लाजमी मिलेगा। लेकिन चले अल्लाह ताला और उसको कामयाबियाँ दे और तरक्की दे, जो उसके दिल में ख्वाहिशात हैं हम भी उनके साथ पूरी सपोर्ट करते हैं छोटे के साथ, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसे कामयाबी दे, अता करे सबसे पहले ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता करे। मेरी तो ये दुआ है। आगे हाथ से तो ये हम लोग बेकरी पे आए हैं और ये केक देखें अब कौन सा पसंद करते हैं। कर दो निकाल ये। अच्छा जी, अब हम लोगों ने ना केक ले ली है तो अब हम लोग ना घर जा रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं घर आ गई हूँ तो अभी आके बैठी हूँ। अब ना मुझे ना भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, दोपहर के 4 भी बज गए हैं। मैं देखती हूँ, किचन में जाती हूँ, मामा ने आज क्या बनाया है। तो मामा, आज क्या बनाया आपने? दाल गोश्त बनाया है। और किस में? चिकन में? चिकन का बनाया है दाल गोश्त। तो चलती हूँ तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। बस अभी थोड़ी सी दाल में है कमी, फिर धनिया डालती हूँ, फिर रेडी हो जाएगी, फिर आप खाना खा लेना। अभी थोड़ा सा टाइम लगना है, तो फिर जैसे ही रेडी हो जाती है तो फिर मैं खाना खा लूँगी। अब मामा ये हरा धनिया डालने लगी हैं तो अब बिल्कुल रेडी हो गया। अब डालें सालन।
आपको पता है कि वहाँ पे काफ़ी अच्छे लगे हुए थे, काफ़ी सारे थे, लेकिन आपको पता है किसी की पसंद होती है कि मैंने पाइनएप्पल खाना और कोई कहता है कि मैंने चॉकलेट वाला खाना है, तो मैंने कहा ये वाला ही ले लेती हूँ। लेकिन मुझे जो ज़्यादा अच्छा लगता है ना वो पाइनएप्पल वाला, चॉकलेट वाला बहुत हैवी हो जाता है तो मैं बहुत कम खाती हूँ। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी छोटी सिस्टर ने मैट्रिक के पेपर दिए हुए हैं, तो साइंस में वो पास हुई, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो मैंने उसकी खुशी में ये केक काटा और उसे सेलिब्रेट किया है। मैं बहुत खुशी का मन लेती हूँ, अच्छे मार्क्स में पास हुई मैट्रिक में। पहले तो ये केक मामा को खिलाना चाहिए ना, क्योंकि इन्हों की दुआओं के सदके आज सब कुछ है। इन्हों की दुआओं की बदौलत वो भी आज पास हुई है, और इन्हों के सदके आज जो कुछ भी हूँ मैं भी हूँ। मुझे भी इन्हों की दुआओं के सदके मैं भी स्टैंड अप हुई हूँ आज, जितने भी स्टेटस पे हूँ इन्हों के सदके ही हूँ। अच्छा जी, ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।